नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो विधि में हम सबसे पहले विधि का समय जानेंगे कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आपको रात्रि में करनी होगी, रात्रि 10:30 से 12:30 के बीच आपको ये विधि करनी होगी। किसी भी दिन की रात्रि आप ये विधि कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी दिन आप ये कीजिए, किसी भी पक्ष में आप ये कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है, पर रात्रि 10:30 से 12:30 के बीच में आपको ये विधि कर लेनी होगी। माताएं भी ने ध्यान रखे कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें, और कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को ना करें। ये दो सावधानी का ध्यान आपको रखना है कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को ना करें। शुद्धता के साथ, स्वच्छता के साथ ये विधि कीजिएगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर कीजिएगा। रात्रि में भी आप स्नान आदि से निवृत्त होकर ही ये विधि करेंगे। तो ये सावधानी के साथ आपको विधि शुरू करनी है और ये समय हमने विधि का जान लिया है। अब बात करते हैं मित्रों विधि की। तो इस विधि में आपको सामग्री के रूप में कुछ भी नहीं चाहिए। जी हाँ मित्रों, इस विधि में आपको सामग्री के रूप में कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। मात्र आप अंतर ध्यान करते हुए इस विधि को करेंगे और एक बेहद ताकतवर मंत्र के साथ आप सामने वाले को अपने वश में कर लेंगे। जी हाँ, बेहद ताकतवर मंत्र के साथ आपको ये विधि करनी है और सामने वाला पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। तो मित्रों, अब मैं बता देता हूँ विधि करनी कैसे है। तो सबसे पहले मित्रों, एकांत में बैठ जाइएगा, किसी के सामने मत कीजिएगा और किसी को बताइएगा मत। अकेले में आपको करनी है और शांति वाली जगह पे आपको करनी है। आप अपने घर की छत पे कर सकते हैं, अपने रूम में कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखिएगा कि कोई रोक टोक ना करे, क्योंकि तांत्रिक विधि में रुकावट नुकसान दे सकती है। तो मित्रों, आप एकांत में बैठकर एक आसन बिछाकर बैठ जाएंगे, उसके ऊपर आप बैठकर मन में अंतर ध्यान करते हुए सामने वाले का फोटो, सामने वाले की छवि अंतर ध्यान करते हुए आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम लेना है। 30 सेकंड तक सामने वाले व्यक्ति का आपको नाम लेना है, मन ही मन, बोलना नहीं है, नाम मन में सोच लेना और मन ही मन उसका नाम लेना है। जब आप 30 सेकंड लगभग आप उसका नाम ले लें, उसके बाद मित्रों आपको एक मन ही मन में अंतर ध्यान करते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। और काउंटिंग के लिए माला का प्रयोग कर लीजिएगा मित्रों, अपने बाहिने हाथ या दाहिने हाथ दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं माला की काउंटिंग के लिए, पर आपको एक माला ले लेनी है काउंटिंग के लिए। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मंत्र सही होगा तभी आपका कार्य बनेगा। अगर आप माला नहीं है आपके पास तो अपने हाथों से भी काउंटिंग कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा माला बेहतर रहेगी क्योंकि मंत्र का जाप ज़्यादा है, माला सही रहेगी। आंखें बंद करके ही आपको जाप करना है अंतर ध्यान करते हुए और मन ही मन में जाप करना है, उच्चारण नहीं करना मित्रों इस विधि में आपको मंत्र का, आपको मन ही मन में जाप करना है। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, ध्यान से सुनेगा, मंत्र में कोई गड़बड़ ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंत्र में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मित्रों ये पूरी की पूरी विधि सिर्फ मंत्र के ऊपर टिकी हुई है। तो मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम, सामने वाले का नाम, सम्मोहनाय शक्ति देही भवंतु, यह मंत्र आपको बोलना है मित्रों। 1008 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ, मंत्र सुनेगा आप ध्यान से, ओम एम ह्रीम क्लीम, सामने वाले का नाम, सम्मोहनाय शक्ति देही भवंतु, 1008 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। बेहद ध्यान से जाप कीजिएगा, मंत्र में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप अंगुलियों से काउंटिंग कर सकते हैं, आप माला का उपयोग कर सकते हैं, पर आपको बेहद ध्यान से इस मंत्र का जाप करना है। जब मित्रों आप 1008 बार इस मंत्र का जाप कर लें,
जब आपने 1008 बार इस मंत्र का जाप कर लिया, उसके बाद मित्रों आप फ्री हो जाएंगे। पहले दिन का काम आपने कर दिया है, आपको बस इतना ही करना है पहले दिन में। अब दूसरे दिन भी मित्रों आपको यही कार्य वापस दोहराना है। रात्रि में एकांत में बैठना है 10:30 से 12:30 के बीच में, और फिर एकांत में बैठने के बाद आपको पहले तो सामने वाले का मन में छवि स्थापित करना है अंतर ध्यान करते हुए, और फिर सामने वाले का लगभग 30 सेकंड तक सामने वाले व्यक्ति का नाम ही नाम मन में बोलना है। फिर मित्रों आपको फिर इसी मंत्र का जाप करना है मन ही मन में और माला के साथ। मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनेगा। मंत्र है ओम एम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम, सम्मोहनाय शक्ति देही भवंतु। 1008 बार आप फिर से इसका जाप करेंगे और फिर मित्रों आपने दूसरे दिन का कार्य भी कर लिया है। तीसरे दिन भी यही कार्य आपको दोहराना है। कुल 3 दिन तक आपको यह कार्य दोहराना है, और इस मंत्र को अपने प्यार के लिए, अपने जीवन में जो आपके प्यार की कमी है उसको पाने के लिए आप ये जो मंत्र बोल रहे हैं ये बेहद ताकतवर असर करेगा। सामने वाला पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करने लग जाएगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा मानने लग जाएगा। पर मित्रों अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने प्यार को पाने के लिए, तो मित्रों आपको ये विधि करनी होगी। कोई सामग्री की जरूरत मित्रों आपको नहीं है, सामने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने घर बैठे बैठे आपको ये विधि करनी है, एकांत में करनी है। और मित्रों ये मंत्र आपको आपका प्यार दिला देगा, जीवन भर के लिए आपको सुखी रखेगा। सामने वाला आपसे जितना आप चाहते उतना प्यार करने लग जाएगा। पर मित्रों विधि में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, विधि सही तरीके से होनी चाहिए। मित्रों मंत्र बोलते समय गड़बड़ ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जीवन में कभी भी आपको सामने वाले से दुख नहीं मिलेगा, सिर्फ प्यार ही मिलेगा अगर आप ये विधि करेंगे तो। बाकी मित्रों अगर आप विधि ना कर पाए किसी भी कारणवश, या आप कुछ भी ना कर पा रहे हैं और बहुत परेशान हैं अपने प्यार के लिए, तो मित्रों मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आप हमारे नंबर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं उस पर आप संपर्क कीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान हमारे यहाँ होगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। विधि में गलती मत कीजिएगा, गलत नियत से मत कीजिएगा, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमिका बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।